राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। भले ही राजस्थान भाजपा की सियासत में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव की कवायद अभी से शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ के पद के लिए अभी से कांग्रेस के अलग अलग खेमों में कवायद शुरू कर दी है। इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी एंट्री होते देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। हालांकि सब कुछ लोकसभा चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा, क्योंकि अगर राजस्थान में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती है तो हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को एक्सटेंशन मिल जाए। बता दें, डोटासरा को जुलाई 2020 में सियासी संकट के समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें इस पद पर करीब 4 साल का वक्त हो गया है। विधानसभा चुनाव के बाद से उनके बदले जाने को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें कंटिन्यू किया गया। अब उन्हें आगे का वक्त मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ आलाकमान पर निर्भर करता है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी जानकारी ये भी है कि इस बार पीसीसी चीफ के पद के लिए अशोक गहलोत के नाम की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र में मोदी तीसरी बार पीएम बनता है तो अशोक गहलोत राजस्थान की सियासत में ही बने रहना चाहेंगे और राजस्थान में संगठन पर पकड़ बनी रहे, इसके लिए उनके खेमे की ओर से पीसीसी चीफ के पद को लेकर लॉबिंग की जा रही है। गहलोत मुख्यमंत्री बनने से पहले पीसीसी चीफ पद पर रह चुके हैं, लेकिन इस बार इस पद के लिए उनका नाम चर्चा में होना सबके लिए चौंकाने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत खुद नहीं बने तो फिर अपने खेमे के किसी युवा नेता को ये जिम्मेदारी दिला सकते हैं ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सियासत पर उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। वहीं इन सब के बीच जो मांग उठने लगी है वो ये है कि यदि पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस को बढ़त हासिल करनी है तो फिर से पायलट को कमान सौंपनी होगी। इसको लेकर सियासत में पायलट समर्थक नेता उनके कार्यकाल के पंचायत राज चुनाव और 2018 के आंकड़े देकर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि उस समय कैसे कांग्रेस में चुनाव में बढ़त हासिल की। बता दें, सचिन पायलट पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि पीसीसी चीफ के लिए कांग्रेस में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का नाम भी एक बार फिर सुर्खियों में आया है। और गहलोत 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। ऐसे में पीसीसी के पद के लिए उनका नाम मजबूत है। हालांकि यह अलग बात है कि हाईकमान गहलोत के नाम पर राजी होता है या नहीं। इसके अलावा भी राजस्थान के कई नेता हैं, जैसे रघु शर्मा, हरीश चौधरी, मुरारी लाल मीना, प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेता हैं जिनके नाम की भी चर्चा चल रही है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।